अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ आलू का रायता, जो बहुत ही मज़े का लगता है। इसको आप बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी चावलों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। चलें देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम दही लिया, जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। ये दो मैंने स्मॉल आलू लिए थे, जिनको बॉयल करके इस तरह मैंने चकोर काट लिया है। ये दो हरी मिर्चें हैं। ये मेरे पास हाफ टी स्पून लहसुन पेस्ट है। 5 से 6 कड़ी पत्ते हैं। नमक लिया है मैंने 1/4 टी स्पून। यहाँ पे हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। यहाँ पे 1/4 टी स्पून राई ली है मैंने। चले सबसे पहले हम इन चीज़ों को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे डालूँगी मैं 2 टी स्पून ऑयल। चूल्हा मैंने इसका जला लिया है। अब इसमें डाल दूँगी ये लहसुन पेस्ट और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे। अब ये 1 मिनट हो गया, लहसुन को मैंने इसमें फ्राई कर लिया है। अब इसमें चले जाएंगे ये कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें, इसको हम थोड़ा सा इसमें भून लेंगे और साथ ही इसमें ये राई और सफ़ेद जीरा चला जाएगा। अब ये राई दाना भी फटने लग गया है और ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें भी इसमें हल्की सी सौते हो गई हैं। अब इसमें ये कटे आलू डाल देंगे। बस इसको इसमें 1 मिनट के लिए इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। अब ये 1 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। नमक मैंने यहाँ पे 1/4 टी स्पून लिया है, अगर कम हो तो आप और डाल सकते हैं। नमक को मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स करूँगी और साथ ही इसमें ये आलू डाल दूँगी। इसको मैं इसमें मिक्स करूँगी। अब गार्निश के लिए इसमें थोड़ा सा मैं कुटी मिर्च डालूंगी और साथ ही इसके ऊपर मैं ये पुदीने का पत्ता रख दूंगी। और ये हमारा आलू का रायता तैयार है, जो बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ खाएं और बहुत ही इंजॉय करेंगे। अगर आपको ये मेरे आलू के रायते की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल का बटन प्रेस किया करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।